नमस्कार आदाब, आप देख रहे पर हार्ड टाइम्स। जैसे कि 26 तारीख को जहाँ पे एक रैली निकाली जा रही है, उस तालुक से यहाँ के जो ACP है धूमल साहब से बात करते हैं कि इस तरीके का यहाँ पे इंतजाम किया गया है, ये रैली में किस तरीके की व्यवस्था है पुलिस की ओर से? कल की जो रैली है इसमें 50 अधिकारी, 200 महिला पुलिस कर्मचारी और 300 पुरुष कर्मचारी शामिल होंगे। और ये रैली के लिए पुलिस स्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बंदोबस्त रहेगा और बाहर के भी जो बंदोबस्त आ रहा है वो भी रहेगा। पर अभी तक तो इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि कितनी महिला इसमें शामिल होगी, उस हिसाब से किस तरीके के आपका एक्स्ट्रा एडिशनल बंदोबस्त है? तो ये जो रैली है इसमें हमने जो जो हमारे सोर्सेस है उनसे पता किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना बंदोबस्त रह सकता है, उसके हिसाब से हमने बंदोबस्त लगाया है। तो हर पॉइंट टू पॉइंट बंदोबस्त रहेगा और जो रैली रहेगी उसके साथ में भी रैली के आगे, रैली के पीछे, दाएं बाएं हमारा जो महिला पुलिसकर्मी है वो महिला पुलिसकर्मी और उनके साथ में महिला पुलिस अधिकारी रहेंगे। एक संदेश आपका जो कल रैली निकाली जा रही है उसको किस तरीके से निकाला जाए, पुलिस विभाग की तरफ से क्या सहयोग? ये जो रैली है हमने इसके पहले भी जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी मीटिंग लेके उनको बोला है कि ये रैली में महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और दोपहर का टाइम है, इसलिए हम ये सुझाव देते हैं कि 500-500 का ग्रुप बना के, सेक्शन बना के उसके बीच में गैप रख के ये रैली निकाली जाए, ताकि कोई भी कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें पुलिस वहाँ जा सकती है और कोई लोग अगर चक्कर आके गिरते हैं तो उनको बाहर निकाला जा सकता है। हमारे साथ मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंचार्ज किशोर पासलकर साहब है, उनसे बात करते हैं कि कल जो 26 तारीख को जो एक रैली निकाली जा रही महिलाओं के ट्रिपल तलाक को लेकर, उनसे पूछते हैं। मार्च निकालने वाले उसके बारे में हमने उनके कोर कमेटी जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे बातचीत किया, उसके बाद सब एरिया आने वाला दारुफला मस्जिद से तो जैन मंदिर तक का जो रूट है उनके बारे में जानकारी ली, उनको भी उनके भी कुछ सुझाव हमने सुन लिए और हमने भी उनको हमारे सुझाव सुनकर हमने जो बंदोबस्त लगाया है वो 14 पुलिस इंस्पेक्टर है, 30 पुलिस सब इंस्पेक्टर और APIs है, 205 पुलिस कर्मचारी है और 220 महिला पुलिस कर्मचारी है। ऐसा बड़ा पैगाम में पुलिस बंदोबस्त लगा है और सब मुमरा वासियों से मेरी एक गुजारिश है, कोई भी अफवाह पे भरोसा ना करे, जो मोर्चा निकाला जा रहा है वो पीसफुल मोर्चा है, उसी ने किसी भी गलत किस्म की अफवाह फैलाई नहीं और ये जो लोगों ने निकाला है उनके जो मकसद है उसके लिए उनको भी हम शुभकामना देते हैं और सभी लोगों से भी विनंती करते हैं कि उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया जाए। ट्रैफिक के बारे में बोले तो रिक्शा यूनियन के 4 यूनियन से सभी पदाधिकारी हमारे पास आए, उन्होंने ही ये पीसफुल मोर्चा को सहयोग करने का हमारे को आश्वासन दिया, उन लोग जो ऑर्गेनाइजर उनको भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग उसी दिन अच्छा कोऑपरेशन करेंगे और कुछ कोई किस्म का ट्रैफिक जाम नहीं होगा। ऐसा हिसाब से हमने हमारे सभी रिक्शा चालकों को समझ दे देंगे, मालूम देंगे और उनसे भी हमेशा अच्छा कोऑपरेशन रहेगा, इसके आगे भी वो अच्छा कोऑपरेशन देंगे। इसी साथ साथ जो अपने मुमरा के हॉकर्स है, हॉकर्स यूनियन के भी लोग आए थे, उन्होंने भी हमारे को इसके पहले भी जैसा ईद मिलाद वगैरह ऐसे जो प्रोग्राम है गौशा जो जुलूस निकलता है उसी टाइम में उन्होंने अच्छा तरफ से हेल्प करके खुद के वॉलेंटियर्स लगा के ट्रैफिक कंट्रोल करने को जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट को सहयोग किया, इसके आगे ये लोग ऐसे ही करेंगे, इसके लिए मैं उनको शुक्र धन्यवाद बोलता हूँ। इसके आगे भी हर प्रोग्राम में उन्होंने ऐसा ही सपोर्ट करते जाके मुमरा पुलिस मुमरा वासियों को कोई किस्म की ट्रैफिक की समस्या नहीं आए, ऐसा ही योगदान देते जाएंगे। ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो रैली है यहाँ पर जो साइलेंट मार्च मुमरा में हो जाएगा 26 मार्च परसों जो हो रहा है उसी की तैयारी में हमने एक मीटिंग करवाई है। ये जो रैली है ये दारुल फला मस्जिद से निकलेगी, मुमरा स्टेशन तक आएगी, तो बीच में जितने भी व्हीकल्स है
एबंडेंट व्हीकल्स है वो हम क्रेन के जरिए उठाएंगे। इसीलिए मैंने दो क्रेन मैं बाहर से मंगा रहा हूँ, वो क्रेन से जो भी व्हीकल्स है वो उठा के उसको बाजू में हटाएंगे ताकि रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। दूसरी बात, एडिशनल बंदोबस्त भी मैंने बाहर से मंगवाया है, एडिशनल बंदोबस्त की डिप्लॉयमेंट हम करेंगे। उसके बाद एक मीटिंग हमने ली थी, उस मीटिंग में हॉकर्स ने हमें ये बोला है कि उस दिन हॉकर्स दारूफाला से लेके यहाँ तक मुमरा पुलिस स्टेशन तक वो उस दिन बंद रखेंगे। रिक्शा यूनियन वालों ने हमें ये बोला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन कोऑपरेट करेंगे। इसी तरह से हम पूरी तरह से इंतजाम कर चुके हैं और वो रैली का बंदोबस्त हम उस दिन डिप्लॉय करेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरे भी जो ऑर्गेनाइजेशन है मुझे मिले हैं और वो बोले हैं कि भाई उनके भी वॉलंटियर्स रहेंगे और वॉलंटियर्स हमारा मुमरा पुलिस स्टेशन का बंदोबस्त, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का बंदोबस्त, ये सब ज्वाइंट कार्रवाई होगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे मुझे लगता है। अभी जैसा दो रोड है, एक आने का और जाने का, तो क्या लगता है एक रोड क्लोज किया जाएगा और एक जगह से आपको गाड़ी पासिंग की जाएगी? ये क्राउड के ऊपर डिपेंड है, हम देखेंगे कि महिला कितनी इकट्ठा होती है उसी समय हम एक डिसीजन ले लेंगे। ज़्यादातर एक लाइन हम बंद रखेंगे लेकिन क्राउड देख के हम ये ऑन द स्पॉट हम डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेटेजी उसी टाइम हम ये फिक्स करेंगे। देखिए ट्रैफिक विभाग से तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा और मुमरा की आवाम को मैं ये अपील करूँगा कि मेरे ख्याल से ये पहला ही साइलेंट मार्च जो है ये मैं पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ, तो उसको पूरी तरह से सहयोग करें, बस मैं यही बोलूँगा। अभी हमने ACP धूमल साहब से बात की और यहाँ मुमरा के सीनियर इंचार्ज किशोर पासलकर से बात की, उन सभी का यही कहना है कि हमारा मुमरा पुलिस की ओर से पूरी तरीके से कड़ा बंदोबस्त किया जाएगा। वहीं किशोर पासलकर ने ये भी बताया कि किसी अफवाह पर ध्यान ना देते हुए पूरी तरीके से इस मोर्चे को का सहयोग करें। वहीं उन्होंने बताया है कि हमने रिक्शा यूनियन और हॉकर्स यूनियन से बात की, उन्होंने सभी लोग पूरी तरह से इसका सहयोग करें, मुमरा पुलिस की ओर से इसका पूरा सहयोग किया जा रहा है, इसी हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये मोर्चा कामयाब हो। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।